गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमारे द्वारा समांतर माध्य हमारा कंप्लीट हो गया था। लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पर आपको एक नई चीज़ बता रहे हैं जिसके अंतर्गत समांतर माध्य की रोचक विशेषता का अध्ययन किया जाएगा। हमारा ये जो समांतर माध्य होता है इसकी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, उसे हम रोचक विशेषता के टॉपिक के नाम से अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आपके पेज नंबर 62 पर एक टॉपिक दिया हुआ है समांतर माध्य की एक रोचक विशेषता करके, हम उसी के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगी कि रोचक विशेषता क्या होती है। समांतर माध्य की रोचक विशेषता का ये है कि सिग्मा एक्स और एक्स बार, मतलब हमारे जो समांतर माध्य की सहायता से मूल्यों का x क्या होती है, हमारी वैल्यूज होती है, विचलन किया जाए और उसका टोटल किया जाए तो वो जीरो आता है। अभी तक तो आपके द्वारा एज्यूम मीन की सहायता से लघु रीति के अंदर क्या किया जाता था, समांतर माध्य का निकाला जाता था। यहाँ पर हम उसकी एक रोचक विशेषता पढ़ रहे हैं। इस रोचक विशेषता के अंदर हम ये देखते हैं कि जो वास्तविक समांतर माध्य है उसकी सहायता से जब हमारे द्वारा मूल्यों का विचलन किया जाता है तो उसका टोटल हमारा शून्य के बराबर होता है। इसे मैं क्वेश्चन के द्वारा आपको सॉल्व करना बताऊंगी। यहाँ पर देखिए सभी बच्चे x दे रखा है जिसे हम मूल्य कहेंगे। मूल्य के अंतर्गत 4, 6, 8, 10 और 12 ये डिजिट आपके दी हुई है, आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एक्स की आवश्यकता पड़ेगी। 6 और 4, 10 और 8, 18 और 10, 28 और 12, 40। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। एन कितना दे रखा है इसके अंदर 5। एक्स बार ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब 40/5। 5 से काटोगे कितना आएगा 8, तो मतलब आपका x बार का जो मान आया है वो कितना आया है 8, यही आया है बच्चों आपका। अब ये जो हमारा वास्तविक समांतर माध्य है इसकी सहायता से हम डिवीजन ऑफ एक्स सीरीज कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ एक्स सीरीज मतलब x बार की सहायता से कर रहे हैं और x बार का मान कितना आया है हमारा 8 आया है। ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, x माइनस एक्स बार की सहायता से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों 4 दे रखा है और इसको 8 से घटाएंगे तो कितना हो गया, 4 में से 8 माइनस 4, फिर 6 में से 8 घटाओगे माइनस के 2, फिर आप 8 में से 8 घटाओगे तो आपके 0 आएगा, फिर आप 10 में से 8 घटाओगे तो आपके 2 आएगा और फिर आप 12 में से 8 को घटाओगे तो आपके 4 आएगा। ये जो प्लस की डिजिट है इसका टोटल क्या कहलाएगा, सिग्मा डी एक्स की जगह हम क्या सिग्मा डी एक्स भी लिख सकते हैं हम, और ये हमारा 0 आएगा। करके बता दूं इसको कैसे 0 आया है, कर लो आप 4 और 2, 6, प्लस की डिजिट आपकी कितनी हो गई 6, 4 और 2, 6, माइनस की डिजिट आपकी क्या हो गई 6, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 0 आएगा। तो मतलब आपके वास्तविक समांतर माध्य से मूल्यों का विचलन करते हैं तो हम पहले ही अपना आंसर लिख सकते हैं 0। सॉल्व करने से पहले ही हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होता है। ये बच्चों हमारी रोचक विशेषता है, ये आपको अच्छे से उतार लेनी है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि समांतर माध्य की रोचक विशेषता दीजिए। कल हमारे द्वारा भारित समांतर माध्य का अध्ययन किया जाएगा। वेटेड अर्थमेट्रिक मीन किसे कहते हैं और उसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद हम मीडियम पर करेंगे। थैंक यू।